तो हेलो गाइस यार, कैसे करता हूँ सभी अच्छे गाइस, आगे बच्चे। तो गाइस देखो, आज हमारे पास है 8000 पॉइंट, वैसे मैंने पूरे उड़ा दिए। यहाँ पे हमारे पास है 92 का लक, वो भी वेपन रॉयल में, और आई थिंक 1000 का स्पिन है। हाँ 1000 का स्पिन है, 8099 मेरे पास गोल्ड पड़े हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को भाई बताऊँ कौन सी गन चाहिए मेरे को, ये G36 की चाहिए भाई साहब, क्योंकि मेरे पास जो है किंगफिशर की है पहले से ही, और वो बढ़िया चलती है। लेकिन ये पता नहीं है कि ये कैसी चलती है, बिकॉज एट्रीब्यूट तो इसके सही से ही है, शायद रिलोड स्पीड माइनस है। यहाँ पे दो स्पिन मैंने कर दिए हैं, और यहाँ पे साथ देने के लिए UMP नहीं यार, ये क्या नाम है इसका, MP40 मिली है। और यहाँ पे अब की बार कौन सी मिलती है, SVD, ओके 3 दिन के लिए SVD मिली है, और शायद ये चौथा स्पिन है। यहाँ पे इस बार भी गया स्पिन, 3 दिन के लिए MP40 मिल चुकी है, और अब की बार वापस से गया 7 दिन के लिए। भाई ये मत दे देना भाई परमानेंट यार, वरना मैं भाई क्या कर सकते हैं यार। ये चाहिए भाई 15 दिन के लिए, मेरे को ज़्यादा चांसेस इसके ही लग रहे हैं यार, ये G36 के। यहाँ पे ओके, और ये लास्ट स्पिन गाइस, यहाँ पे लास्ट स्पिन किया अपन ने भाई, मिल जाना यही मिल जाना भाई, देखते कौन सी देता है। यहाँ पे भाई जिसका डर था वही दे दिया यार। चलो गाइस किंगफिशर ही चलाते हैं, यहाँ पे चलते ट्रेनिंग ग्राउंड में, टेस्ट करते गन कैसी चलते है। आ जाओ यार, क्लोथ चेंज करके आता हूँ मैं। चलो गाइस यहाँ पे गाइस, ओ पीछे से कोई बंदा मार रहा है यार, ये रहा बंदा, और यहाँ पे ग्लू लगा दिया मैंने, लेकिन लगा कहाँ पे है भाई, बिल्कुल टेढ़ा लग गया ग्लू बोल दो। यहाँ पे आगे निकल गया है, और यहाँ पे चलो गाइस, वैसे तो बढ़िया चल रही है, लेकिन आगे पता नहीं कैसे चलेगी। यहाँ पे वही बंदा दोबारा से उतर चुका है यहाँ पे, और ये ख़त्म, शायद डैमेज था। वैसे ये तो नॉर्मल स्किन में भी बढ़िया चलती है, यानी कोई स्किन नहीं रहती ना तब भी ये बढ़िया चलती है। यहाँ पे एक बंदा है पीछे साइड, ये रहा एक और बंदा, और मेरे को ही मार दिया यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा से चलते हैं, गन को टेस्ट करना है, ये सबसे बड़ी बात है अपने लिए यहाँ पे, कि गन कैसी चलती है। अगर ये थोड़ी सी बकवास चलेगी पहले वाली से, तो मैं तो इसको अचीव नहीं करूँगा बिल्कुल भी। यहाँ पे आगे की तरफ एक और बंदा है, ये रहा बॉडी बॉडी से इसको मार दिया, और यहाँ पे एक बंदा OP भाई, मतलब वो बैठ गया इसलिए हेडशॉट चिपक गया उसके भाई साहब पीछे। भाई ये क्या गुंडा कर दिया यार, अरे स्पाइडरमैन वाला इमोट दिखा रहा है बंदा। यहाँ पे ये बंदा रहा भाई, इसको छोड़ दे पहले, उस वाले बंदे को देखते जिसने इमोट दिखाया। चलो गाइस आ जाओ, किधर की साइड है वो, इधर तो ये रहा ये आया इधर की साइड, 86 का हेडशॉट पड़ा है। अबे किधर जाएगा बीड़ू, ये रहा, अरे भाई क्या गुंडा बनेगा यार, इतना तगड़ा डैमेज देने के बाद भी नहीं मरा, अब मर गया ना ये। चलो गाइस इमोट भी दिखा दिया, बंदा भी ले लिया, और यहाँ पे अरे भाई ये क्यों दिखा रहा है भाई, मरना है तो ऐसे ही मर जाए यार, इमोट क्यों दिखा था। यहाँ पे देखो भाई, ये रहा एक और बंदा, फिलहाल तो बढ़िया चलती है यार, कोई लोड नहीं है, मतलब फ्री स्किन है तो फ्री के हिसाब से सही चल रही है। लेकिन अगर मैं बताऊँ, अगर ये चीज़ अपने को डायमंड्स के बदले में वेपन रॉयल में दी जाती ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाता है यहाँ पे। चलो भाई जिसको भी यहाँ पे कर दिया ख़त्म, और आगे की साइड भी बंदा है। वैसे मैं बताऊँ ना भाई साहब, बढ़िया चलती है यार, पहले वाली चीज़ तो ख़राब भी नहीं बोलूँगा, तो बेटर भी नहीं बोलूँगा, नॉर्मल भाई बराबर ही चलते हैं, तो मैं तो उसी को यूज़ करूँगा। लेकिन एक दो मैचेस में मैं इसको यूज़ करके जरूर ट्राई करूँगा। देखो भाई वही बढ़िया चल रही है भाई, वैसे तो बढ़िया चल रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे पीछे से मार दिया मैंने टेट से, कोई बात नहीं। ओ इधर से मारा है क्या, यहाँ पे एक और बंदा है, ये रहा बंदा, ओ यहाँ पे ख़त्म भाई, बढ़िया चल रही है यार, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है गन में। देखो भाई मतलब अगर आप लोग सही ट्रैक करना जानते हो ना, मैं तो नहीं जानता परफेक्टली, मेरे को पता है, लेकिन अगर आप लोग जानते हो सही ड्रैग करना, तो यहाँ पे आप एनी गन एनी मोड एंड एनी एम को आराम से हेडशॉट पे ले जा सकते हो। अरे भाई साहब, ओए ओए पीछे बंदा गया, यहाँ पे निकलना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से निकलते, ये रहा बंदा एक और, अरे भाई मर जा मर जा मर जा। चलो भाई बॉडी बॉडी से इसको मार दिया, अरे भाई साहब ये इधर की साइड आ गया बंदा यहाँ पे, अरे यार ये रहा भाई, ये हमेशा होता है मेरे साथ में, यहाँ पे चिपके कौन से बंदे के जाता है एम, अरे भाई साहब पीछे से मार दिया यार भाई। मेरे को तो लगता है कि ये जो स्किन है ना, ये थोड़ी सी एक्यूरेसी में भी माइनस है, लेकिन उन्होंने एट्रीब्यूट्स में दे दी है, बिकॉज इसकी देखो भाई यहाँ पे इसने कटाना से मार दिया यार, कोई बात नहीं यहाँ पे वापस उतर दे। मैं बताऊँ तो भाई सही चल रही है, अगर आप लोगों के पास पहले से है तो बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कि ये स्किन कैसी चलती है आप लोगों से, अगर बढ़िया चलती है तो सही बात है, और नहीं चलती है तो भाई आप लोग मेरे को पता यूज़ तो वैसे करोगे, जो फ्री में मिलती है तो कौन छोड़ेगा यार। तो गाइस देखो फिलहाल तो वीडियो यहीं तक था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, वो आप लोगों की मर्जी है सब्सक्राइब करने की। तो
लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये स्किन कैसी है, तो कितनी रेटिंग दूंगा, तो 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा इसको, मुक्केस कर दिया खत्म। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे अपनी वीडियोज आएंगी तो देखना भूलना मत प्लीज़। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।